हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। नवरात्र के तीसरे दिन की आप सभी को सॉरी, थोड़ी सी जबान फिसल गई थी, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मेरी बात। नवरात्र के तीसरे दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नवरात्र के तीसरे दिन माँ के चंद्रघटा स्वरूप की पूजा की जाती है और हम पूजा करके बैठ चुके हैं और मंजू बना रही है चाय। ये देखिए, तो चलिए मैं आपको हमारा मंदिर दिखाती हूँ, कैसे हमने माता रानी के मंदिर को सजाया हुआ है। और बहुत ही प्यारी हमारी मैया रानी लग रही है, देखिए। आइए दिखाती हूँ, देखिए, है ना, अच्छी लग रही है ना मेरी माता रानी। श्रद्धा के साथ व्रत कीजिए का, बिल्कुल श्रद्धा के साथ, मन को बिल्कुल शुद्ध रख के माता रानी की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। प्रेम से बोलो जय माता की। बैठ गई मंजू चाय पीने के लिए। मंजू को व्रत है ना, ठीक हो रहे है व्रत? भूख नहीं लगती आपको? पक्का? अच्छा, देखते हैं गाइस मंजू का कितना वेट लॉस होगा व्रत में। तो चाय पी लीजिए, फुल एक एक ग्लास भर के चाय। अभी सिक्स मंथ के बाद हमने चाय पीनी शुरू की है। गर्मियों में बिल्कुल छोड़ रखी थी। ऐसे पीते गांव के लोग चाय, देखिए कटोरी में डाल के ऐसे ऐसे फूक मार मार के पी लो। चिन्नी को मैंने लोग, ऐसे भी चीनी कम पीनी चाहिए ना, शुगर फ्री। शुगर हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। सूरज जी को शुगर है ना, बहुत दिक्कत होती है उनको। कुछ भी मीठा नहीं खाना है, गेहूं के आटे की रोटियां नहीं खानी है, आटा भी दूसरा आता है उनका, आलू की सब्जी नहीं खानी है। इतनी सारी पाबंदियां हो जाती है ना लाइफ में कि मुझसे तो इतने परहेज पूरे नहीं होंगे भाई। परहेज का मतलब पता है आपको क्या होता है? हमारी देसी भाषा में बोलते हैं परहेज, यानी कि किसी चीज़ से हमें मतलब किसी चीज़ से दूरी बनानी होती है ना, उसे दूर रहना पड़ता है, तो उसे हमारे हरियाणा की देसी भाषा में परहेज बोलते हैं। मुझसे नहीं होगा इतना। और चावल भी छोड़ने पड़ते हैं शुगर वालों को, मेरे से नहीं छूटेगा भाई। इससे अच्छा शुगर ही ना हो तो ठीक है ना। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे हरियाणा में है वोटिंग और मैं जा रही हूँ वोट डालने। डाल आई गाइस, में वोट आपने डाल लिया? देखिए हमारा गांव कैसा है, अच्छा है ना? यहाँ आ गई मेरी स्कूटी के पास। राम राम तत्ता, बढ़िया। आपने कड़े वोट बने हैं कांग्रेस आया है। दिखाना मेहंदी, मेहंदी दिखाओ कैसी रची है। मंजू ने लगाई है मेहंदी। ओ हर्षित, ये वाला मेरा पानी था, क्यों उठा के ले गए आप यहाँ से? काम तो हो गया गाइस, और अभी मेरे सिर में बहुत दर्द हो गया था इसीलिए मैं सो गई थी। और अभी सूट की कटिंग करूंगी, अभी लेके आई थी मैं ये, आपने देखा होगा, इसकी कटिंग कर लेती हूँ। छोटा वाला, इसका नाम है सिद्धू, इसने सेम टू सेम मेरे जैसा हेयर कट करवाया हुआ है। क्या लेके आए, दिखाओ सबके लिए, दिखाओ बच्चों के लिए। चॉकलेट लाए सारे बच्चों के लिए। मान लो बेटा ना साइड है दो, मेरी दो थी मम्मी, इसका मम्मी का कौन? हेलो, प्रमोद लेके आया है। मेरा सिर दुखा था, चाहता फोन कर उठाया तेरा सो। कैसे हो?